नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिर चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो आज की जो साई सच्चरित्र की स्टोरी है वो है चैप्टर 33 में से, और उस चैप्टर में से जो है मैं दो छोटी छोटी स्टोरीज बताने वाली हूं। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको एक चीज जो है वो कॉमन लगेगी, एक आपको पता चलेगा कि ये जो वीडियोस है एक थर्सडे का और एक जो सैटरडे का होता है वो मैं एक ही दिन पे जो है वो शूट करती हूँ। तो पहले मैं अपने साई बाबा के एक्सपीरियंस के बारे में थर्सडे वाला वीडियो शूट करती हूँ और उसके बाद जो है साई सच्चरित्र का सैटरडे वाला वीडियो चूज करती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार जो है मैं लिंक्ड वाली स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को जो है वो मर्ज करती हूँ। मतलब जैसे मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो तो मैं बताती हूँ, बट उससे रिलेटेड कहीं तो, या फिर जो डेज होते हैं उससे रिलेटेड कहीं जो है वो मैं साई सच्चरित्र में जो है वो स्टोरी ढूंढती हूँ और फिर उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा वही सेम बताती हूँ। तो आज क्या हुआ ना, आज मैं वीडियो जो है आप लोगों के साथ, मतलब थर्सडे का वीडियो बना रही थी एक्सपीरियंस वाला, मेरे साईं बाबा के एक्सपीरियंस वाला कि कैसे जो है, मतलब मेरे पास जो फ्रेम है वो कैसे दूसरे लोगों के पास भी जो है वो मुझे दिखी, दूसरे डिवोटीज के पास, और एकदम सेम फ्रेम देख के जो है मैं बड़ी खुश हो गई और एकदम ही मेरे सामने जो है वो सारे सभी फ्रेम्स जो है एक ही दिन में दो तीन बार दिख गई। तो वो एक ऐसा मिरेकल हुआ और इंडिकेशन मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि ऐसे साई बाबा क्यों कर रहे हैं, बट वो दिख रहे हैं मुझे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर द इंडिकेशन के मतलब क्या होगा उसमें क्या नहीं। तो स्टोरी जो है आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ये अभी अभी बैठे बैठे ये मिरेकल हुआ है। तो मैं सोच ही रही थी कि अरे अब मैं क्या करूं, मतलब अभी इससे रिलेटेड जो है वो स्टोरी कौन सी ढूंढूं। तो मैं आपको सच में ऑनेस्टली बताती हूँ, इट इज अ रियली बिट लिटिल डिफिकल्ट टास्क कि जहाँ पे जो है मतलब आपका एक्सपीरियंसेस और साई सच्चरित्र की जो स्टोरीज है उसमें से रिलेटेड स्टोरी आप ढूंढो और फिर उसको बताओ। ठीक है, मैं सेम थोड़ा रिलेटेड इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो है कॉमन चीज बहुत ज्यादा होती है और उससे जो क्या होता है ना कि जब चीजें लिंक्ड होती है तो काफी सारी हमें एक ही भाव की या फिर एक ही स्टोरी की जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब तो वो अच्छा लगता है सुन के कि आप एक ही डिरेक्शन में जाते हो। जैसे लास्ट टाइम जो था कि साईं बाबा जो है आपको राइट डिरेक्शन में जो है वो कैसे पाथ दिखाते हैं, कैसे राइट डिरेक्शन में लेके जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड जब मैं बताऊं तो काफी सारे जो डिवोटी हैं उनके अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसमें उनको जो है वो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हर डिवोटी का अपने हिसाब से जो है उनको क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा मैं रिलेटेड बताऊं। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बताऊं, तो यहीं पे मेरी डायरी रखी हुई है। तो जैसे जैसे अभी मैं रोज साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि इस चैप्टर में मैंने साई बाबा के है जो वो रिलेटेड क्या पढ़ा है, मतलब वो स्टोरी जो है वो किस बारे में है। क्योंकि हर बार जो है मतलब मैं साई सच्चरित्र पे जाके सारा सब कुछ देख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती कि मतलब कौन सी स्टोरी कौन सी है क्या है वगैरह, तो मैं इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो ये मैंने बस दो दिन पहले ही लिखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 33, और ये वाली जो नीचे की दो स्टोरी है इट इज रिलेटेड अबाउट पिक्चर एंड फोटो ऑफ साईं बाबा। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, मैंने बोला चलो ये तो अच्छी बात है कि मतलब वही मुझे चाहिए था, और दो मिनट में ही मतलब फटाक से। एनीवेज आज मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, गेस्ट है घर में वगैरह, बट फिर भी जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने उन्हें बोला कि मैं फट से जो है वीडियो वगैरह बना के आ जाती हूँ बाहर। तो कुछ नहीं, दो मिनट में मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगा और फट से जो है मुझे स्टोरी मिल गई कि अच्छा हाँ ये स्टोरी जो है मैं शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अभी फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि पहली छोटी वाली जो स्टोरी है वो क्या है। तो 1917 की बात है शायद, अप्पा साहेब कुलकर्णी नाम के एक डिवोटी थे साई बाबा के जो कि शिरडी में रहते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो ट्रांसफर है वो थाने में हो गया, मुंबई में। ठीक है, तो अभी उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरे वहां पे अभी ट्रांसफर हो गया है, अभी मैं साईं बाबा को देख नहीं पाऊंगा, उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मुझे साईं बाबा से जो है वो दूर नहीं जाना है, तो अभी कैसे करें। मतलब उनका मन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि मतलब उनकी ट्रांसफर जो है वो वहां पे हुई है।
बट जिस तरह से हमें पता है कि हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं और साईं बाबा के हमारे लिए प्लान्स कुछ और ही होते हैं, तो जो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है बट साईं बाबा को पता होता है कि नहीं ये आगे जाके ठीक नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं। तो भले ही उस चीज के लिए जो है साईं बाबा को अपने डिवोटी को थोड़ा दूर ही क्यों ना भेजना पड़े। तो ऐसी कुछ बात हुई थी, तो साईं बाबा ने उनको बस इतना ही बोला था कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो इतना तुम ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तो तुम जो है अच्छे से जाओ वहां पे रहो और मैं रहूंगा हमेशा तुम्हारे साथ। तो फिर भी जो है वो दुखी थे, साईं बाबा ने तो ऐसे बता दिया, बट मतलब अभी इसमें आगे क्या करें, मतलब कैसे हो सकता है, मुझे साईं बाबा जो है एकदम मेरे आंखों के सामने चाहिए। तो एक उनके ही फ्रेंड थे जो कि साईं बाबा के ही डिवोटी थे, तो उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एक पिक्चर जो होता है या फिर आप फ्रेम बोल सकते हो, वो जो है अप्पा साहेब कुलकर्णी जो है उनको दे दिया। उन्होंने बोला ये रखो अपने पास और इनकी जो है हमेशा पूजा वगैरह करना और इनको अपने साथ रखना। तो वो बोले अच्छा ठीक है। फिर जब वो वहां पे शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो उन्होंने जब वो फ्रेम खोली, उन्होंने रखी है वो, तो उनका एक डेली रूटीन हो गया था, उन्हें नैवेद्य दिखाना, उनके लिए हार बनाना, उनकी पूजा करना, अर्चा करना, उन्हें देखना। बट इन सारी सभी चीजों में अचानक उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अभी बहुत खुश हैं। तो खुश क्यों हैं, क्योंकि मतलब पहले वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि अरे शिरडी छोड़ना पड़ा साईं बाबा को, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं शिरडी जा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत काम है, मैं यहीं पे अटक गया हूँ। बट धीरे धीरे जो है उनकी वो फीलिंग जो थी, मतलब वो जो डर रहे थे या फिर उनका जो दुख वाला फीलिंग था कि अरे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, शिरडी साईं बाबा को नहीं देख पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि जो फ्रेम उनके फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट करी थी, जो उन्होंने लगाई थी, जिनकी वो पूजा कर रहे थे रोज, तो उनको देख के अचानक से उनको एकदम फीलिंग आई, उनको एकदम महसूस हुआ अरे बाबा तो मेरे सामने ही हैं, वो तो मुझे देख रहे हैं हर पल, वो तो हमेशा मेरे साथ ही है। मतलब उनकी जो वो दुख वाली फीलिंग थी वो अचानक से गायब हो गई और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो चलिए अभी बताती हूँ आपको दूसरी कहानी। तो एक हरिदास थे जो भजन वगैरह कीर्तन करते थे, लेकिन वो बॉम्बे में रहते थे, वहां पे जाके जो है वो ये सारा सब करते थे, ठीक है। तो उनको जो है मॉडर्न तुकाराम भी कहा जाता था, क्योंकि वो मतलब एकदम बॉम्बे वाले जैसे सिटी में जाके यू नो भजन और कीर्तन वगैरह करते थे। तो एक बार जो है पहली बार, मतलब 1917 की ही बात है, वो पहली बार उनका फर्स्ट ट्रिप था शिरडी आने का, ठीक है। वो जैसे ही शिरडी आए, जैसे ही उन्होंने साईं बाबा को देखा, उन्होंने साईं बाबा के बारे में बहुत सुन रखा था, तो वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने जैसे ही साईं बाबा को देखा तो वो एकदम जो है उन्होंने हाथ जोड़े और जो है वो ऐसे नतमस्तक हो गए बाबा के सामने। तो बाबा के मुंह से एकदम से निकला कि अरे ये जो है इंसान, इनको तो मैं जानता हूँ। तो फिर ये जो हरिदास थे ये थोड़ा सा चौंक गए, इनको लगा कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ, मैं यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ, तो बाबा ने मतलब ऐसा क्यों बोला। तो अगर आप साई सच्चरित्र पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि बाबा जो है उनका वे ही कुछ अलग है, मतलब वो ऐसे बीच बीच में उनका ये तरीका ही है, यू नो हम भी जब हम भक्त होते हैं तो जब हमें वो इंडिकेशन देते हैं या कुछ मतलब बताने की कोशिश करते हैं तो उनका वे बहुत डिफरेंट होता है, बट वो हमें आगे पीछे कभी ना कभी रीजन पता चल जाता है, मतलब हमें पता चल जाता है वो क्या है क्या नहीं, या फिर बाबा क्या कहना चाहते हैं या फिर बाबा जो है वो क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं। तो इन्होंने भी है थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाला और सोचा कि अरे बाबा जो है उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, वो बार बार जो है उनके दिमाग में चल रहा था, और अचानक से जो है बाबा ने उनको एकदम से याद दिला दिया और उनको याद आया कि हाँ 4 साल, अच्छा बाबा ने ये बोला था कि इन पर्सन को जो है मैं मिल चुका हूँ, इन्हें मैं जानता हूँ, ठीक है 4 साल से जानता हूँ। तो तब उन्हें याद आया कि अच्छा 4 साल पहले जो है बॉम्बे में वो कहीं तो गए थे जहाँ पे इतनी बड़ी जो है बाबा की फ्रेम जो है वो रखी हुई थी, तो वो देख के वैसे भी साईं बाबा के बारे में उन्होंने सुन के रखा था, तो उस फ्रेम को उनकी साईं बाबा की फोटो को देख के जो है वो एकदम प्रभावित हो गए थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो वहां पे भी 4 साल पहले मुंबई में उस फ्रेम के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के जो है साईं बाबा के वो नतमस्तक हो गए थे, उनके पैर छुए थे और उनको जो है वो प्रे करा था कि कभी मतलब अगर मौका मिले तो मैं जो है शिरडी जरूर आऊंगा, आपके दर्शन जरूर लूंगा करके। तो जैसे उन्हें ये चीज पता चली, जैसे उन्हें ये चीज याद आई, तो उन्होंने बोला अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब ये तो 4 साल पहले पुरानी वाली बात थी, तो वो तब की बात थी। और ये आश्चर्य है कि मतलब बाबा सच में एक साधारण बाबा नहीं है, उन्हें कैसे पता, मतलब ही इज लाइक ओमनी प्रेजेंट, मतलब
उन्हें सब पता होता है, वो हर डिवोटी का माइंड पढ़ लेते हैं, कौन कहाँ पे किस टाइम पे क्या कर रहा है साईं बाबा को, हम कितना याद कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, साईं बाबा को एक एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से पता होती है। हम एक बार जो है वो भूल जाते हैं बोल के सारा सब कुछ, जो है हम लोगों के वरीज होते हैं वो सारा सब भूल जाते हैं, अच्छी बात बुरी बात जो भी है, तो बाबा के जो है हम चरणों में डाल देते हैं, बट बाबा जो है ये बात कभी नहीं बोलते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है मतलब हमारे जो दुख है वो बाबा के चरणों में डाल देते हैं, बट कभी कभी लगता है कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, हमारी पुकार उन तक जा नहीं रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम बहुत ज्यादा वेट करते हैं, बट बाबा भी जो है वो अपने ही टाइम पे सारा सब कुछ सही करते हैं। तो हर टाइम हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, पक्के से जो है बाबा आपको सुन रहे हैं, अभी चाहे जितना दुख जो भी है वो झेल लो, बट एक टाइम आएगा, वो दिन आएगा कि जब जो है सारा सब कुछ आपके प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी तरह से मिट गए होंगे, जिस जिस चीज की आज आपको चिंता हो रही है वो सारी सभी निकल जाएंगी। इसी में ही मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक डिवोटी है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैंने आपके सारे सभी वीडियोस देखे हैं, तो आपका ये बोलना है कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस आ रखा है, तो प्लीज आप वो बताइए कि आपको साईं बाबा के जो दर्शन है वो कब हुए हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बताई है और आप सबको बता रही हूँ कि बस राइट टाइम आने दीजिए, और मुझे पता है कि बाबा मुझे डेफिनेटली वो इंडिकेट करेंगे कि सही टाइम जो है वो कब है और मुझे कब शेयर करना है। हो सकता है ये भी सही टाइम हो, मतलब किसी ने जो है मतलब जाहिर करी है इच्छा कि आप बताइए कि मतलब जो है आपको साईं बाबा के दर्शन कब हुए, तो शायद ये भी हो सकता है, मैं नहीं जानती, बट जल्दी ही जैसे ही जितना जल्दी हो सके मैं डेफिनेटली उस वीडियो को रिलीज करूंगी। तब तक आप प्लीज फेथ रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो जो भी है जैसे भी सारे सभी वीडियोस मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। और भी कोई आपको डाउट्स या जो भी रहेगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर मुझे मेल पे आप जो भी है अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं, तो जो भी जैसे भी होंगे मैं सारे सबको जो है वो रिप्लाई प्रॉपरली करती रहूंगी, जो भी मेरे पास नॉलेज है जो भी मैं बता सकती हूँ आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा, मैंने आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताई नहीं, सो इन दोनों स्टोरीज से जो है हमें ये मॉरल मिलता है, ये पता चलता है कि भले ही अभी ये लॉकडाउन भी है, आपको पता है मेरा इतना मन कर रहा है शिरडी जाने का, इतना मुझे लग रहा है, बीच में तो मुझे ये फीलिंग भी आई थी कि मतलब कुछ चीजें हुई थी जिससे मुझे फील हुआ था कि शायद वो पॉसिबल हो जाएगा, शायद साईं बाबा मुझे बुला रहे हैं शिरडी और मैं जा सकती हूँ, बट अगेन कुछ रीजंस की वजह से जो है वो नहीं हो पाया, तो मुझे फील हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब बाबा यही बोलते हैं कि ठीक है जो भी है शिरडी आना वगैरह, तो मैं तुम्हें जब बुलाना चाहूँ तब तो बाबा अपने आप ही हमको सारे सभी डिवोटीज को जो है वहां पे बुला ही लेते हैं, मतलब हमारा कभी कभी प्लान भी नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली जो है हम शिरडी पहुंच जाते हैं, तो वो मैंने बाबा पे छोड़ दिया है, वो जब करेंगे तब। बट यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही आती है कि जो आपके पास मेरी फ्रेम है, मेरी मूर्ति है वगैरह, बस आप उस पर मेडिटेट करिए, आप जो है मतलब आंखें बंद करिए, मेरा जो भी फॉर्म है, मेरी आईज है, मेरे सारे पूरे फॉर्म को जो है मतलब उसको लेके जो है आप मेरा नाम जप करिए, पूरा मेडिटेशन करिए वगैरह, तो आपको पता चलेगा। बस एक ही बार आप मेरी मूर्ति को और फ्रेम को जो है एक बार गौर के देख लीजिए, तो मैं वहीं पे ही हूँ, आपके पास ही हूँ, आपके सामने ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, तो आपकी प्रेयर्स खाली नहीं जा रही है। तो यही है आज की स्टोरी का मॉरल। तो चलिए मिलते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार। ओम साईं राम।